चलिए दोस्तों, मैं नरेन वशिष्ठ आज की इस वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि दो दिन से आप मेरे साथ हैं और आप लोग भी इसको भगवान गणपति के इस दुर्लभ मंत्र की एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे, तो उसी के साथ हम इस सेशन को शुरू करेंगे। और फिर जैसे जैसे सेशन आगे चलता रहेगा, डीप डाउन में आपको डुबकियां लगवाता रहूंगा ज्ञान के इस सागर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम भद्रम कर्णे भीः श्रृणुयाम देवा भद्रम पशे माक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवागं शस्तुनुभिः यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शर्दो अन्ते देवा यत्र नश्चक्रा जर सं तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रेरिस्तायुर्गन्तो अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता से पिता से पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ओम गंग गणपतये नमो नमः। और आज भगवान सूर्य का दिन है, रविवार है, तो एक उनका भी बहुत ही दुर्लभ मंत्र, सिद्ध मंत्र मैं आप लोगों के लिए उच्चारण करूंगा और आप लोग उसका भी आनंद लेंगे और भगवान सूर्य से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि वो भी एकमात्र जागृत देव हैं जो हर सुबह आकर हमारे को अपनी एनर्जी से आशीर्वाद देते हैं। ओम आ कृष्णयेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृतञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना ओम सूर्याय नमः। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग से या एक दूसरे से कंटेंट शेयर करके ऐसे नॉलेज गेन करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन जैसा कि गुरु परंपरा से मैंने सीखा है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करते हैं जिनको जानकारी है और वो सक्षम है आपको ज्ञान देने के लिए, तो निश्चित तौर पर जो इन सिद्ध मंत्रों का जो शक्तिपात है उसका भी लाभ आप लोगों को मिलता है। आमने सामने बैठ कर जब हम लोग, वैसे तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होकर मैं आप लोगों में एनर्जी ट्रांसफर करूं इन डिवाइन मंत्रास की, ये जो सिद्ध शब्द संयोजन है इनकी एनर्जी मैं आप में ट्रांसफर करूं, निश्चित तौर पर लाभ मिलता है इनका। आप लोगों में से आसाम से है ना कोई? आसाम से बिलोंग करता है। हाँ जी, ध्रुव बा ज्योति जी, सर मैं थोड़ा नाम प्रनाउंस करने में हो सकता है मुझे। हाँ जी नाम? सर नमस्कार, ध्रुवा ज्योति जी, ध्रुवा ज्योति जी आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम से। हाँ जी सर, मैं आसाम से। बहुत बढ़िया। और वहां पर एक बहुत ही महाशक्ति पीठ है, माँ कामाख्या। इसके अलावा भी, वो दुनिया के सभी शक्ति पीठों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा शक्ति पीठ है। मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ कामाख्या का, माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे मिलता है। और वैसे आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कम लोग वहां पर जाते हैं, तो लेकिन मुझे सौभाग्य मिलता है वहां पर जाने का, तो बहुत ही खूबसूरत। जब अंबुवाशी मेला होता है तो फिर बहुत सारे अघोरी, बस वहां पे चिन्नमस्त माँ का मंदिर है। अपने आप में ही अंबुवाची तो अपने आप में ही एक बहुत ही दुर्लभ और अविश्वसनीय समागम। सर अभी भी वहाँ पे रिसर्च होता रहता है, क्योंकि जब अंबुबासी मेला लगता है सर, जब अंबुबासी का वो होता है, तो क्योंकि कामाख्या मंदिर में माँ का योनि है, तो उसमें बोला जाता है कि जो योनि है, योनि में सफेद कपड़ा लगाया जाता है जब अंबुबासी मेला, क्योंकि उस समय बंद होता है मंदिर,
तो वो कपड़ा पूरा लाल हो जाता है और जो पानी बहता है वो भी लाल हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। चलिए हाँ तो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो इन पवित्र विद्याओं में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको एक बार जरूर वहां पर जाना चाहिए, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है या कोई और भी विद्या है, इट इज नॉट मियर कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, ये खाली नंबर्स की जमा घटा गुना भाग नहीं है, इसमें आपकी खुद की एनर्जी, जिसकी प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं उसकी एनर्जी, और ये जो डिवाइन सोल्स हैं इनकी सबकी एनर्जी काम कर, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं कोई वीडियो देख के या मेरे से या कहीं और से आपने ऐसे सीख लिया कि 2-8 का कॉम्बिनेशन ये तो डिप्रेशन है, नहीं है, खाली ऐसा नहीं है। आप लोगों की खुद को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है, खुद को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को प्योरीफाई करते हैं तो आपको वाणी की सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और फिर जो आप बोलते हैं वो ब्रह्मास्त्र की तरह बिल्कुल पार चला जाता है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रत्यंतर दशा। हमने महादशा को पढ़ा, हमने अंतरदशा को पढ़ा, आज हम प्रत्यंतर दशा से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्रत्यंतर दशा को कैलकुलेट करने से पहले आपको अंतरदशा को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे महादशा में आप लोगों ने सीखा है कि जो सबसे पहले जिस नंबर की महादशा आएगी वो आपका बेसिक नंबर होगा। अगर बेसिक नंबर 2 है तो आपकी महादशा 2 नंबर से ही शुरू होगी, अगर 5 है तो 5 नंबर से शुरू होगी। इसी तरह जो प्रत्यंतर दशा है वो आपके अंतर दशा के नंबर से शुरू होगी। मैंने एक एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ली है 17 सितंबर 2020, इसकी मैंने जब अंतरदशा कैलकुलेट की तो वो नंबर 4 की आई है। तो सबसे पहले जिस प्लेनेट की, जिस नंबर की पीडी शुरू होगी वो नंबर 4 होगा, राहु महाराज। अब लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसको आप देखेंगे कि किस नंबर की पीडी कितने दिन तक चले। आपने देखा कि महादशा का जो पीरियड है वो ईयर्स में चलता है, जितना नंबर उतने ही सालों के लिए महादशा चले, अंतरदशा 1 साल के लिए चलेगी और जो प्रत्यंतर दशा होगी वो डेज में चलेगी। पीडी का यूज करके हम डेज लेवल पर भी माइन्यूट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी 1 से लेके 9 नंबर तक मैंने सभी नंबर्स की पीरियड इन डेज को कैलकुलेट करके आपके सामने लिखा है। आप देख पा रहे हैं 1 नंबर की अगर पीडी हुई तो वो 8 दिन तक रहेगी, यानी 8 दिन तक आपको अपने ग्रिड में 1 नंबर लिख के रखना है। 2 नंबर की रहेगी 16 दिन चलेगी, 3 नंबर 24 दिन, 4, 5, 6 ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। अब राइट साइड वाले टेबल में आप लोग आ जाइए। अब इस डेट ऑफ बर्थ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडी के नंबर से ही शुरू होगा पीडी, तो एडी का नंबर 4 है तो सबसे पहले राहु की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी और वो 32 दिन तक चलेगी। ये 32 कहां से मैंने लिया, लेफ्ट साइड में जो टेबल है यहां से, और इसका 32 दिन आप कैलकुलेट करेंगे तो 17 सितंबर 2020 से लेके 19 अक्टूबर 2020 तक, उसके बाद फिर सीक्वेंस में ये चलनी शुरू हो जाएगी। फिर 5 नंबर ये 41 डेज तक चलेगी, ये आप लेफ्ट साइड वाले टेबल से देख सकते हैं कि किस नंबर की पीडी कितने दिन तक चलेगी और ये ऐसे आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम योगाज की तरफ चलेंगे। मैं
एमडी का, एडी का और पीडी का आपको यूज बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है। सबसे पहला योगा हमारा रहेगा डिसीजन मेकिंग एंड विजडम। दोस्तों जब कभी भी आपको ग्रिड में नंबर 3 और 1 दिखाई दे, 9 नंबर मिसिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर उनका जो बुद्धि का स्तर रहेगा, जो इंटेलिजेंसी का लेवल रहेगा, वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत गजब की रहेगी। अगर 9 नंबर ग्रिड में है तो ये डेयर और करेज को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 और 9 अगर साथ में होंगे, नंबर 3 अगर मिसिंग है, तो ये सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर को रिप्रेजेंट करेगा, गुस्सा एकदम से फट पड़ेगा। लॉजिक ये है कि दोनों ही फायरी प्लेनेट है। 9 और 5 शार्प माइंड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसके लिए नंबर 4 मिसिंग होना चाहिए। सुपर शार्प माइंड 9 5 जब कभी भी रहेगा तो वो सुपर शार्प माइंड को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं एक बार स्क्रीन को डीशेयर करता हूं। आप लोगों में से एस्ट्रोलॉजी कौन जानता है? एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है किन्हीं को? अमित श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी ने तो कोर्स किया हुआ है पहले मुझसे। कोई नए स्टूडेंट्स में से है जिनको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी हो? रवि जी तो जानते हैं, रवि जी ने सीखा हुआ है। रवि जी, क्या आप एस्ट्रोलॉजी में मुझे बता सकते हैं कि फ्रॉड के लिए कोई इंसान फ्रॉड है क्या, या किसी के साथ फ्रॉड होगा, ऐसा कोई योगा कोई एस्ट्रोलॉजी में आप बता सकते हैं? कि बेसिकली बेसिक में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि फ्रॉड जो होता है उससे रिलेट करने के लिए हम राहु के पोजीशनिंग को देखते हैं और बुध की पोजीशनिंग को देखते हैं। राहु ज्यादा मैटर करता है उसमें कि राहु आपके मस्तिष्क में है, राहु कितना स्ट्रांग है डिग्री वाइज, और उसका लगन के ऊपर दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, इससे कैलकुलेट। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अपने गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए जिन्होंने इतनी खूबसूरत विद्या मुझे सिखाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजी इतनी बेहतरीन टेक्निक है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एस्ट्रोलॉजी में जहां पर आपको ये ढेर सारी चीजें देखनी पड़ेगी, न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखना है, बहुत बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कॉम्बिनेशन है, 9555। अगर ग्रिड में 9555 है तो स्टाम्प पेपर ऊपर लिख कर दे दीजिए, द पर्सन विल कमिट फ्रॉड। वो विजय माल्या का रिश्तेदार होगा। गेटिंग माई पॉइंट? 9555 अगर ग्रिड में है। और अब देखने वाली बात यह है कि इधर द पर्सन विल कमिट फ्रॉड और फ्रॉड विल हैपन ऑन द पर्सन, या तो आदमी के साथ फ्रॉड होगा या वो फ्रॉड करेगा। अगर ग्रिड में आपको 555 या 555, 555 में भी चांसेस हो जाते हैं, बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है और उसके अंदर गुदगुदी होने लगती है पैसे को घुमाने की, लेकिन 555 में तो ठप्पा लग जाता है, स्टैंप लग जाएगी कि हाँ उस्ताद है, ये करेगा कुछ ना कुछ। 555 अगर ग्रिड में है तो अभी दोनों तरफ ये रहेगा कि या तो फ्रॉड करेगा या उसके साथ फ्रॉड होगा। अब ये कैसे जानेंगे कि फ्रॉड होगा या फ्रॉड करेगा? अगर साथ में 9 नंबर है, साथ में 9 नंबर है तो वो फ्रॉड करेगा, और अगर हार्ड नंबर्स की पूरी लाइन मिसिंग है, हार्ड नंबर्स की 319 मिसिंग है और 555 के साथ स्वीट नंबर साथ में है, कोई भी स्वीट नंबर, तो उसके साथ फ्रॉड होगा। अगर दोनों ही है, उधर से 9555 भी है,
इधर से स्वीट नंबर्स भी हैं, 22 हो गया, 66 हो गया, तो उसके साथ फ्रॉड होगा भी और वो फ्रॉड करेगा भी। क्लियर है, आप लोगों को समझ आया होगा? ये मैं जब कॉर्पोरेट न्यूरोलॉजी का आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं और अच्छे से आपको डिटेल करूंगा। और मेरे को बीच बीच में विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग बुरा ना माने, जो लोग वो एक्शन प्लेन और मेंटल प्लेन करते हैं उनको मेरे को बीच बीच में गुदगुदी होने लगती है उनकी हवाइयां उड़ाने की, कि वो अब एक्शन प्लेन और मेंटल प्लेन ही सिखाते रहते हैं। अब कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में तो क्लाइंट आपके पास पार्टनरशिप कंपेटिबिलिटी के लिए आएगा, है ना, वो तो आपके आपको साथ में एक डेट ऑफ बर्थ और लेके आएगा कि देखिए जरा मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, क्या ये डेट ऑफ बर्थ ठीक रहेगी, और हम देखेंगे कि हाँ इसका मेंटल प्लेन ठीक है, इसका एक्शन प्लेन ठीक है, उसके पैसे लगवा देंगे कि चलो कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी भी फीस पक्की और उसकी हवाइयां उड़ जाएंगी। तो ये मैं आपको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा कि कैसे पार्टनरशिप कंपेटिबिलिटी हमारे को करनी है। ये अभी बीच में एक योग आया था इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा साइड ट्रैक होके इसको एक्सप्लेन कर। अभी समस्या कहाँ है कि जो लोग वो एक्शन प्लेन और मेंटल प्लेन सिखाते हैं उनको सालों हो गए हैं उसकी मार्केटिंग करते हुए, अब वो जिगरा कहाँ से लाए ये कहने का कि ये काम नहीं करता, क्योंकि इतने दिनों से दुकान तो उसकी चलाए बैठे हैं, है ना। चलिए ये देखिए जी, ये सुपर डुपर माइंड है, 9555, ये स्लो लर्नर रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी स्लो लर्नर होने की, कभी ऐसा रहेगा कि बहुत बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं, कभी ऐसा लगेगा कि इनसे मूर्ख आदमी कोई नहीं है। जब 9555 होगा और 9955 होगा, ये फ्रॉड का कॉम्बिनेशन है 9555, ये लिटिगेशन और डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है। 9-4 मार्स राहु और मरकरी राहु, राहु महाराज जब भी मार्स या मरकरी से कनेक्ट होंगे तो लिटिगेशन और डिस्प्यूट लेके आएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ऐसा होगा कि ये इंसान जब पैदा होगा तभी से लिटिगेशन और डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कब होगा लिटिगेशन और डिस्प्यूट, कब होंगे? आप लोग अपने पेपर पेन पे ये एक बार 9-4 का और 5-4 का ग्रिड एक बार बना लीजिए, पेपर पेन पे बना लीजिए आप एक बार, 9 और 4 बीच में 5 मिसिंग है और 5 और 4 9 मिसिंग है। ये आप लोगों को बना लेना है। अब देखिए लिटिगेशन कब होगा, अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इनके खुद के साथ लिटिगेशन हो, तब इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस थानों के चक्कर लगते रहेंगे, या किसी फैमिली मेंबर के साथ हो तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ड्यूटी कोर्ट में हो, ये लीगल प्रोफेशन में हो, ये एडवोकेट हो, इनकी जेल में ड्यूटी हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अब रोल आता है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। आपने क्लाइंट को ये ग्रिड देख के ये तो बताया कि भाई लिटिगेशन का योग है, लेकिन क्लाइंट का सवाल एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होगा कि ये लिटिगेशन होगा कब, अब तक तो हुआ नहीं है, कब होगा? अगर ग्रिड में महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में 9 आ जाए तो ये 9999 हो जाएगा। अगर महादशा में भी 9 आ जाए
अंतरदशा में भी 9 आ जाए, हमारे को पता है दोनों ही नंबर्स को हमारे को ग्रिड में एंटर करना है। अब ये नंबर हो गए 9994, और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि मल्टीपल में जब कोई नंबर होगा वो भी स्पेशली ट्रिपल में, तो वो एग्रावेटेड हो जाएगा, इम्बेलेंस्ड हो जाएगा। अभी 95 का जो 94 का जो योग है वो लिटिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उस योग में एक नंबर हमारा बिगड़ गया 9। राहु और शनि जो है वो जब सिंगल या ट्रिपल में होंगे तो खराब रिजल्ट देंगे, यानी जब ओड में होंगे, और जब इवन में होंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट देंगे। तो जब सिंगल 4 हमारे को ग्रिड में नजर आया राहु महाराज, तो सिंगल तो वैसे ही खराब हो गया। मैंने आपको बताया कि सिंगल और ट्रिपल में राहु होगा तो वो खराब होगा, राहु तो वैसे ही खराब था, मार्स को महादशा अंतरदशा ने खराब कर दिया। अब हो गया लिटिगेशन। आपको क्लियर हुआ कि कैसे आपने पिन पॉइंट किया, यानी जिस तारीख से आपकी 9 नंबर की महादशा शुरू हुई या 9 नंबर की अंतरदशा शुरू हुई, उसी पीरियड से ये आपका लिटिगेशन शुरू हो जाए। अभी दूसरा योग क्या हो सकता है, 9 नंबर की महादशा अंतरदशा नहीं आई, महादशा और अंतरदशा आ गई राहु महाराज की, तो सिंगल राहु तो वैसे ही खराब था, और महादशा अंतरदशा में आने से ये हो गया 444। अब बम फटेगा, जेल जाने के योग भी बना सकता है, 9444 होगा। आपको और एक बहुत खूबसूरत टेक्निक में बताता हूं, क्लाइंट जब भी आपके पास आएगा वो दो परिस्थिति में आएगा, या तो उसकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है, और या बद से बेहतर होने वाली, यानी या तो उसकी स्थिति सुधरने वाली है और या और खराब होने वाली। आप उससे थोड़ा सवाल जवाब जब करेंगे कि ये दिक्कत कब से आ रही है, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि जब कभी किसी प्लेनेट की महादशा अंतरदशा में बदलाव हुआ होगा तभी से वो समस्या शुरू हुई। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस नंबर की महादशा आने से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो आपको रेमेडी उसी प्लेनेट की करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी दूसरे वाले में 5-4 वाले में, उसमें भी 4 तो वैसे ही खराब है, या तो एक पॉसिबिलिटी है कि महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा में आने से 4 और खराब हो जाए, कैसे होगा, 444 हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 55 या 555 हो जाए, तब लिटिगेशन का योग बनेगा। क्लियर हुआ आप सबको अभी कि कैसे हमारे को महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का यूज करना है। अब और सुनिए इससे आगे, जरूरी नहीं है कि हर बार महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के आने से ही स्थिति बिगड़े, खाली सिंगल 9-4 में या 5-4 में भी हालत खराब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि परमानेंटली ये नंबर्स तो सेटल हैं। अब मान के चलिए कि ग्रिड में आपके सिंगल 9 है, सिंगल 9 है, 5 नहीं है और 4 भी नहीं है, तो अब हमारे को खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलो शुक्र है गुरुजी डरा रहे थे, हमारे ग्रिड में तो लिटिगेशन का योग ही नहीं है। लेकिन जब कभी भी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में राहु महाराज आएंगे तो वो उतने ही दिनों के लिए आपके ग्रिड में सेटल हो जाएंगे, तब भी योग बनेगा लिटिगेशन का। या आपने देखा कि सिंगल 4 है, चलो कुछ राहत मिली, अकेला 4 ही है, अकेला राहु क्या करेगा, लेकिन जैसे ही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मर्क्यूरी या मार्स आएगा तो लिटिगेशन का योग बनाएगा। उस पीरियड में हमारे को सावधान रहने की जरूरत है। क्लियर है? अब एक और पॉसिबिलिटी सुनिए कि 9 और 4 अगर है ग्रिड में, लिटिगेशन का योग है, महादशा में 9 आ गया, 4 पहले से सेटल्ड,
अब प्रत्यंतर दशा में फाइव आ गया बीच में दोनों नाइन और फोर के, अब खुश हो जाइए, आपका लिटिगेशन का योग एक साल के लिए ब्रेक हो गया है, एक साल का पीरियड आपके लिए थोड़ा राहत देने वाला होगा। या अगर डबल फोर हो जाएगा एडी या पीडी में आने से तो भी राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राहु और शनि जब इवन में होंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट दे। अब मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी हैं, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिनका कोई डाउट है इसको लेके वो मेरे से अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि फिर मैं नॉन स्टॉप चलूंगा। सभी योगाज में ऐसे ही हमारे को एमडी एडी और पीडी को चेक करना है, बीच बीच में एक दो एग्जांपल और भी मैं दे दूंगा आपको। जी ध्रुवा ज्योति जी बताएं। सर यहाँ पे जो आपने बोला अगर किसी के ग्रेड में 954 तीनों तो उसका कैसा होगा, उसका तो लिटिगेशन का कुछ नहीं आता। उस मैं उसका उस योग पे अभी आऊंगा सर, अभी आऊंगा। ओके ओके ठीक, बताऊंगा उसके बारे में। राइट, जी बताएं जी, रूबी सिंह जी बताएं। सर आपने ये जो लिटिगेशन और कोर्ट की तैयारी का बताया, डबल फाइव आए, डबल ट्रिपल फोर आए तो हो सकता है, नाइन आए, ट्रिपल फोर आए, और सर इसके नोट्स मिलेंगे या ये याद करना, क्योंकि आपने जल्दबाजी में बोल तो दिया, वो चीजें कई बार स्किप हो जाएगी माइंड से सर, या वीडियो देख के द्वारा। तो फिर क्या वीडियो देखने पे केजरीवाल जी ने कोई पाबंदी लगाई हुई है? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ इसके नोट्स देंगे आप, या ये अभी मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई लिटिगेशन में, ट्रिपल फाइव आए, सॉरी डबल फाइव आए और ट्रिपल फोर आए, नाइन आए, ट्रिपल फोर आए, तो ही जेल जाने के योग लिटिगेशन के हो सकते हैं ना, अगर 954 का हो तो फिर बच सकता है इंसान, यही कह रहे थे ना सर? नहीं ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा सर। आपने बोला ना फाइव आ जाए एडी में तो एक साल के लिए वो खतरा टल सकता है 954। ये वीडियो जब आप सुनेंगे दोबारा तो मैं बहुत धीरे धीरे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर दोगे एक बार? नहीं मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ढेर सारा कंटेंट है आपको देने के लिए। अगर वीडियो सुनने के बाद भी आपको रिपीट नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। हाँ आई होप मैंने बहुत ही शांत तरीके से बहुत आराम से एक एक एस्पेक्ट को आपको क्लियर किया है, तो रिपीट करने के लिए कोई मुझसे नहीं कहेगा, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है रिपीट करने में, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। अगर एक एक टॉपिक पे मैं रिपीट करने लगूंगा तो फिर जो कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूँ 5 दिनों में वो फिर स्किप हो जाएगा सर। पीडीएफ में तो ये चीजें होगी ना? हाँ पीडीएफ में भी होंगी और रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, आई होप आप इस बात को अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना? नहीं सर। जी बताएं रवि पाराशर जी। जी गुरु जी, ये 9 और 4 का कॉम्बिनेशन लिटिगेशन जातक के साथ होगा और 5-4 में वो लिटिगेशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, दोनों ही लिटिगेशन के योग है सर, लिटिगेशन होने के योग है, दोनों ही लिटिगेशन होने के योग है। जी थैंक यू सर। जी अंशुल जायसवाल जी बताएं, स्वागत है। सर अगर 5-5-4 ऑलरेडी ग्रिड में मौजूद है किसी के, यानी बाय डेट ऑफ बर्थ, तो मैं तो फिर वो जिंदगी भर उससे पीड़ित रह सकता है? रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा, तब थोड़ी राहत मिलेगी जब 9 आ जाएगा,
बल्कि मैं तो कहूंगा जब 9 आएगा तो और ज्यादा पंगे करेगा वो, और फाइनेंशियल इश्यूज में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, फाइनेंशियल लिटिगेशंस में। जब 9 रहेगा तो फाइनेंशियल लिटिगेशन ज्यादा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल लिटिगेशंस तो हमेशा ही रहेंगे, जब 9 आ जाएगा तो वो फिर फाइनेंशियल लिटिगेशंस भी करेगा और दादागिरी भी दिखाएगा, अकड़ भी दिखाएगा। ट्रिपल फाइव फोर में वो हो सकता। हाँ जी, शांता गोस्वामी जी हार्दिक स्वागत है। सर मैंने सब पार्टिसिपेंट को एक ही बात बोलना चाहती हूँ जी, मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, चिंता मत कीजिए, सबका आप पीडीएफ भी देता है, वीडियो भी देता है, इसलिए किसी को चिंता का कोई बात नहीं है, आप सब लोग अच्छे से क्लास करिए, ये बात बोलना चाहती हूँ मैं, और कुछ। थैंक यू शांता जी, बहुत बहुत आभार। हाँ आप सब चिंता मत कीजिए, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे जब कोर्सेज क्लास जो नहीं किया उन्होंने मारता है, इसलिए मैंने मैसेज भी भेज दिया, जो चिंता का कोई बात नहीं, पीडीएफ भी वीडियो भी सबको मिल जाएगा, आपका जो क्वेरी है वो कर लीजिए, लेकिन बातों बातों में क्लास लेट ना कीजिए, नहीं तो एक क्लास है और एक टाइम किया है लेकिन सुनने के लिए और भी ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरे जो भी कोर्सेज रिपीट होते हैं, कुछ नए कोर्सेज होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरे कोर्सेज जब रिपीट होते हैं तो उसका मैं कोई किसी भी स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं करता एक्स्ट्रा, है ना, वो जब चाहे जब आके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में भी एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कोर्स किया था, तो वो जब चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, और वीडियोज भी रहेंगे और मैं तो कनेक्टेड हुई, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ढेर सारा कंटेंट है, वो एक बार आप ले लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ आपके साथ। मैं बीच बीच में और भी एग्जांपल देके आप लोगों को बताता रहूं। ये सेम योगा 9-4 का और 5-4 का, ये जो योग है ये हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि उस इंसान के हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे, हो सकता है खुद की बीमारी को लेके, हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को लेके, या हो सकता है वो मेडिकल प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, नर्स नर्सिंग सेक्टर में हो, इसलिए हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहें। अभी होगा क्या कि 9-4 तो हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, वैसी सेम स्थिति रहेगी कि कब हॉस्पिटलाइजेशन के योग ज्यादा प्रबल होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग कब बनेंगे हॉस्पिटलाइज होने के, जब 9 बिगड़ जाएगा या 4 बिगड़ जाएगा, ऐसे ही जब 5 बिगड़ जाएगा या 4 बिगड़ जाएगा, और वो बिगड़ेंगे कैसे बताइए जरा, बिगड़ेंगे कैसे, मैं रूबी सिंह जी से ही पूछता हूं। जी रूबी जी, कैन यू हियर मी? हां जी सर। सर बिगड़ेंगे ऐसे जब 444 में आ जाए, 999 में आ जाए। बहुत बढ़िया, और वो कैसे आएगा? अंतरदशा प्रतंत्र दशा में आ जाए ना सर, महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा में। और थोड़ी राहत कब मिलेगी? जब ये योग ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होगा? 9-4 के बीच में 5 आ जाए, 5-4 के साथ 9 आ जाए सर, 5-4 के साथ 9 आ जाए। अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, हो गया मेरे को। चलिए सर, आपको तो मैं वैसे बार बार ज्वाइन करा हुआ है, तभी तो मैंने इस बार भी करा। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा मेथड है सर, मैंने सीखा हुआ है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि रूबी सिंह जी पे माँ सरस्वती की बहुत अच्छी कृपा है, और बहुत अच्छे सिंगर, बहुत फेमस सिंगर हैं रूबी सिंह जी। सर बस लक फेवर करी जा रही है, बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर हैं।
बिल्कुल। और आज के सेशन को जब हम लोग सेशन के लास्ट में ये हमारे को अपनी प्रतिभा का कुछ थोड़ा सा हमारे को अपनी प्रतिभा से भी हमारे को बताएंगी ये, और कुछ चंद लाइनें इनके मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। हाँ सर रहने दो प्लीज, सॉरी सर, नहीं, ये मैंने सॉरी सुना सर, है, सॉरी फॉर दिस सर, मैंने आपको सुना है, तो बहुत आपने कहाँ अच्छा, सुना मुझे? मैंने YouTube पे देखा था मैंने। अच्छा मैंने तो डाला नहीं ज्यादा सर। हाँ मैंने YouTube पे देखा था किसी फंक्शन में आप, आई थिंक कोई देवी का जागरण था उसमें शायद आपका भी। सर थैंक यू बट अभी नहीं मैं गा पाऊंगी प्लीज सॉरी। अजी हम सब लोग सुने बिना आपको जाने नहीं देंगे आज, है ना। चलो देखते हैं सर। आप तो साक्षात माँ सरस्वती का रूप है, आपके चरणों में सादर नमन है, और आपकी आवाज को आज हमारे को सुनना है जरूर लास्ट में। अब सर आप आप शर्मिंदा प्लीज मत करिए, हाँ नहीं, मैं आप वैसे ही हम शौक लोग है सर, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ बट वैसे ही फेमस हो गई। अजी हम भी ऐसे ही प्रोफेशनल, कोई टीचर नहीं है, हम भी ऐसे ही किए जा रहे हैं। और लोग नहीं नहीं सर आप तो अच्छे टीचर हो। चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्सीडेंट और इंजरी का योग है। एक्सीडेंट और इंजरी का जो योग रहेगा आप देख सकते हैं, 8 और 4 राहु और शनि जब कनेक्ट होंगे तो ये योग बनेगा। और ज्यादा प्रबल कब होगा, जब शनि और राहु कोई एक या दोनों बिगड़ जाएंगे, ठीक है। और बिगड़ेंगे कैसे, जब मल्टीपल में हो जाएंगे। राहत कब मिलेगी, जब इवन में हो जाएं या 2 आ जाए साथ में। ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। इंफीरियरिटी कब होगी, जब हार्ड नंबर्स मिसिंग होंगे। सुपीरियरिटी कब होगी, जब हार्ड नंबर्स की पूरी लाइन कंप्लीट होगी। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक ऑरा को रिप्रेजेंट करेगा। जिन लोगों के ग्रिड में 22 रहता है, 26 रहता है और 75 रहता है, उन लोगों के पास मैग्नेटिक ऑरा रहता है। और मेल और फीमेल दोनों ही सेम जेंडर और अपोजिट जेंडर भंवरे की तरह इनके आसपास मंडराते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो चाहे फैमिली हो, हमेशा ये लोगों की अट्रैक्शन का केंद्र रहती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहते हैं। लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, और एक बार इनके साथ कोई जुड़ता है तो वो हमेशा के लिए इनके साथ जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ह्यूमन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र, 22 इज देयर मैग्नेटिक ऑरा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। देवानंद, इनके पास भी 22 है। फर्स्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा राजेश खन्ना, 4 times 2। दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग, 22 इज देयर। ऐश्वर्या राय, 7 5 इज देयर। डू नॉट वॉन्ट टू मैरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, और इसी को यूज करके मैंने जब प्रिडिक्शन की थी तो बताया था कि ऐसा थॉट माइंड में आ सकता है। तो ये दोनों ही योग ऐसे काम करेंगे, 3 6 2 और 3 6, दोनों में ये शादी ना करने का मन हो नहीं होगा, होगा कि भाई शादी करने का मन नहीं है। और पहली पॉसिबिलिटी तो यो ये रहेगी कि शादी करने का मन ही नहीं होगा, और अगर मन हुआ भी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पार्टली या कंप्लीटली ये लोग टर्न कर जाते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है। शादी होना या ना होना वो सेपरेट इशू है, लेकिन शादी करने का मन नहीं होगा। ये गुड लक को रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 7, 8 यहां पर मिसिंग होना चाहिए, 8 यहाँ पर मिसिंग होना चाहिए। ये इजी मनी को रिप्रेजेंट करेगा, 7 5। जिन लोगों के पास 7 5 होगा वो इजी मनी उनके पास आएगी बहुत आसानी से। 7 8 का जो योग रहेगा वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करेगा, हार्ड लक को रिप्रेजेंट करेगा। ये अफेयर को रिप्रेजेंट करेगा, 6 7 का जो योग होगा। और 6 7 का योग आप में से किसके ग्रिड में है, इसको लेके मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको करूंगा। 6 7 का योग है किसी के ग्रिड में,
शांता गोस्वामी जी के ग्रिड में 6-7 का योग है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 6-7 का जो योग है ये अफेयर की पॉसिबिलिटी देता है। ऐसा नहीं है कि अफेयर होगा ही, ऐसा नहीं है कि अफेयर होगा ही, लेकिन ये लोगों को आपसे कनेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट जेंडर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये ऐसा योग देता है। हमारी इकोलॉजी, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम, वो सारी चीजें मैटर करती हैं उसको मैच्योर होने के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी ये बनाएगा। ठीक है, आपको इसको देख के एकदम से नहीं बोल देना कि हाँ इनका तो अफेयर है, नहीं। हमारे जो मैंने बोला कि बिलीफ सिस्टम, हमारी इकोलॉजी, हमारी सराउंडिंग, हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे को परमिट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा और नंबर्स भी हमारे को ग्रिड में देखने हैं, और नंबर्स भी हमारे को ग्रिड में देखने हैं। अभी मैं ये सिंगल सिंगल नंबर्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इनको देख करके आप लोगों को कंक्लूड नहीं करना अभी, क्योंकि कंक्लूड करना मैंने अभी सिखाया ही नहीं। कंक्लूड करना तो मैं आपको जैसे जैसे सेशन चलेगा कल और परसों तब सिखाऊंगा। तो अभी आप अंदाजा मत लगाना कि किसी आपके नहीं है तो हस्बैंड के ग्रिड में हो या वाइफ के ग्रिड में हो, सेशन खत्म होते ही डंडा उठा लें कि बताओ कौन है वो, गुरुजी ने आज बता दिया है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी देता है, अट्रैक्शन को ये हमारे को प्रबल करता है, हमारा ओरा ऐसा कर देता है कि लोग हमारे से अट्रैक्ट होना चाहते, ठीक है। ऐसा ये योग बनाएगा। ये नंबर्स तो हमारे पास 1 से 9 तक ही है, और लाइफ के इवेंट्स इतने सारे हैं, तो उनको हमारे को सभी इवेंट्स को 1 से 9 नंबर्स में ही कवर अप करना है। तो ये बहुत ही वास्ट आपको विजन रख के तब प्रेडिक्शन देनी है, तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे और लोग आपकी प्रेडिक्शन के, आपके ज्ञान के मुरीद हो जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वीजा और ट्रेवल के नंबर्स हैं 7 और 4। ध्यान से सुनिएगा, या तो ग्रिड में 7 हो या 4 हो, दोनों ही नंबर वीजा लगवाने में हेल्पफुल रहते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 7 नंबर की है। अगर ग्रिड में 7 नंबर है तो 99% फर्स्ट चांस में ही वीजा लग जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे। 4 के और 7 के वीजा में क्या फर्क है कि 4 का वीजा डेवलपिंग कंट्री का लगेगा, 7 का वीजा डेवलप्ड कंट्री का लगेगा, ठीक है। 4 और 7 के वीजा में अगर ग्रिड में 7 नहीं है तो कैसे वीजा लगेगा, कब लगाना है, कब वीजा के लिए अप्लाई करना है, जब एमडी एडी और पीडी में 7 आ जाए, एमडी एडी और पीडी में 7 आ जाएगी। लीजिए फिर से मैं आपसे कनेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि आप लोगों के फेस देख के मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वहां तो ऐसे लगता है जैसे स्क्रीन के सामने मैं ही बोले जा रहा हूँ। आपके पास कोई कुंडली आती है, कोई डेट ऑफ बर्थ आती है, और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा वीजा कब लगेगा, वीजा लगने में प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा कि इनके ग्रिड में तो 7 नहीं है, और लेकिन नियर फ्यूचर में 2 मंथ्स के बाद इनकी 7 नंबर की एमडी शुरू हो रही है, या एडी में आने वाला है या पीडी में आने वाला है। फिर आपको थोड़ा सा स्किलफुली काम करते हुए उनको केतु का मंत्र या केतु की रेमेडी दे देनी है, और उनको टाइम बता दीजिए कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आप वीजा अप्लाई कीजिए, आपका वीजा लग जाए, 101% लग भी जाएगा। आपको मंत्र देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको काउंसलिंग ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, कि अगर आपने बोल दिया कि हाँ लग जाएगा 2 महीने बाद, तो वो खाली प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन में आपको अर्निंग ज्यादा नहीं होगी, साथ में रेमेडी को कनेक्ट करेंगे तब आपकी अर्निंग, जब आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये तो आपको पता है ना कि 2 महीने बाद इनका 7 नंबर का पीडी एडी शुरू होने वाला है, उनके लिए तो मंत्र काम करेगा,
जैसा उन्होंने बताया, जैसो मंत्र जो रेमेडी आप देंगे, और वो रेमेडी तब तक उसकी तैयारी भी कर देगी केतु के आने की, वो मंत्र उनका वेलकम करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार भी होगा, ठीक है। और क्योंकि वो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, आपने मंत्र से उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया केतु की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जैसे ही केतु आएगा एकदम से सडन बेनिफिट उनको होगा और वीजा लगेगा, और जैसे ही वीजा लगेगा वो तुरंत आपके पास आएंगे, गुरुजी देवी माँ आपके आशीर्वाद से मेरा वीजा लग गया, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, कोई जादू नहीं सीखना, आई नो मैजिक, लेकिन वो जादू सिखा करके हमारे को एक एक पल के लिए तो क्लाइंट को हम अपना रेपो में ले सकते हैं, लेकिन बाद में तो फिर ये कैलकुलेटिव पार्टी काम करेगा। कुछ लोग मेरे पास ये सीखने के लिए आते हैं कि बस एक बार ऐसे बता दो, डेट ऑफ बर्थ देखा और बोल दिया तुम्हारे बच्चे इतने सॉरी तुम्हारी सास का नाम ये, तुम्हारे साले का नाम ये है, दीदी का नाम ये। अरे भाई उसको पता है सास साले और दीदी का नाम, उसको जो नहीं पता वो तो ये नहीं पता ना कि वीजा कब लगेगा, वो आप अपनी कैलकुलेशन से बता दें, ठीक है। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा एमडी एडी पीडी का क्या रोल रहता है। मेन ग्रिड से तो आपने ये देख लिया कि हाँ इनके पास वो नंबर्स तो हैं या वो नंबर्स नहीं है, तो कब आ रहे हैं अभी नियर फ्यूचर में, जरा वो टेलीस्कोप लगाकर देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि पहुंचने वाले हैं बस 3 महीने की दूरी पे हैं, पहुंचने वाले हैं बस 2 दिन की दूरी पे। और मैंने आपको बताया ना, क्लाइंट आपके पास या तो जब बद से बदतर स्थिति होने वाली होगी तब आएगा, और या जब एकदम से उनको राहत मिलने वाली होगी तब आएगा, क्योंकि ये प्लैनेट्स ही हैं जो उसको पुश करते हैं कि जा और शांता गोस्वामी जी के पास, रवि पारासर जी के पास जाकर रेमेडी लेके, अपने आप कोई नहीं आता, उसकी प्लेनेटरी पोजिशन उसको पुश करती है आपके पास आने की, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के नंबर्स हैं दोस्तों। जब भी ग्रिड में देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य और मंगल महाराज साथ में होंगे तो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपको देंगे। आर्टिस्टिक फायर के नंबर है, जिन लोगों के ग्रिड में 2 और 6 रहता है उनके पास आर्टिस्टिक फायर का बहुत गजब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। आर्ट, म्यूजिक, फाइन आर्ट, सॉफ्ट स्किल्स जितने भी तरह की हो सकती हैं वो इनके पास होगी। डांस, म्यूजिक, कोई भी एक्टिविटी ऐसी इनके पास मिलेगी जिनमें इनको महारत हासिल होगी। लीडरशिप स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वही नंबर्स, देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य और मंगल महाराज। नंबर 5 बिजनेस स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जिनके ग्रिड में नंबर 5 रहता है और स्पेशली डेस्टिनी 5 में रहता है, कुदरत ने उनको बिजनेस स्किल्स भी होती हैं, वो बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, दे नो हाउ टू मेक मनी, उनको पता रहता है कि पैसा कैसे कमाना है, दे अर्न मनी क्विकली एंड दे स्पेंड मनी वाइजली, गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 555 है, सिंगल 5 का मतलब है कि बॉर्न बिजनेसमैन है, 555 का मतलब भी यही है और 555 का मतलब भी यही है, साथ में सिंगल 5 जहां पर पैसे को बहुत बुद्धिमता से खर्च करता है, 555 स्पेंड मनी फुलिसली, लेविसली, गेटिंग माय पॉइंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ये देखिए 5 है अंबानी, ये छोटे वाले अंबानी हैं, अजीम प्रेम जी और योग गुरु बाबा रामदेव। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके ग्रिड में नंबर 5 होगा वो सब बाबा रामदेव बनेंगे या सब धीरू भाई अंबानी बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जिनके ग्रिड में नंबर 5 है, बिजनेस में अपना भाग्य आजमाते हैं, तो डेफिनेटली कुदरत उनको सपोर्ट करेगी,
नेचर का आशीर्वाद उनको मिलेगा क्योंकि उनके पास बिजनेस स्किल्स है। ये रविशंकर महाराज, स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस इन्होंने किया। ये हरियाणा के एक बड़े मशहूर बाबा जी रहे हैं, राम रहीम, इनके पास भी फाइव है। स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस इन्होंने भी किया। नंबर थ्री काउंसलिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों के पास नंबर थ्री रहता है उनकी काउंसलिंग स्किल्स बहुत ही गजब की रहती है। सेवन रीजनिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे सेवन की इंटेंसिटी, सेवन की एनर्जी बढ़ेगी, डबल सेवन या ट्रिपल सेवन हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे क्लाइंट से दूर हो जाइए क्योंकि ये बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, सवाल पूछ पूछ के आपकी जान निकाल देंगे। ये इलॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल फोर जब होगा, प्रॉमिस भी फेल होते हैं ऐसे लोगों के, और रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होता है, और साथ में ह्यूज बिजनेस लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये गुरु और गुरु घंटाल है। दोस्तों देखिए, थ्री और ट्रिपल थ्री में एक मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज तो होती है, लेकिन ट्रिपल थ्री अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो ऑफ भी करता है, उसका दिखावा करेगा। जैसे कॉन मैन होते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डाल के और पूरा सज सवर के, जैसे लोगों को दूर से ही दिखे कि ये तो बड़ा कोई महात्मा है। और सिंपल थ्री, सिंगल जो थ्री रहेगा वो सिंपली अपना स्पिरिचुअलिटी में सिंपल बन के रहे। दिस रिस्पेक्ट इन लाइफ, वन और एट का जो कॉम्बिनेशन है, फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूं। वन और एट का जो कॉम्बिनेशन है ये लाइफ में डिसरिस्पेक्ट देगा, यानी जम के बेइज्जती देगा, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि जिनके ग्रिड में बाय बर्थ ये सेटल होता है 1-8, क्या ऐसा मान लिया जाए कि जैसे ही वो पैदा हुआ लोगों ने उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी? पैदा हुआ तो सबसे पहले बुआ जी आती हैं, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी आते हैं, तो सबने बेइज्जती करनी शुरू कर दी कि 1-8 है इसका। तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, मैंने आपको सिखाया है। ये योग दो प्लेनेट से मिलके बना है ना, कौन कौन से प्लेनेट से? सूर्य से और शनि से। तो एक्टिवेट कब होगा? जब या तो सूर्य खराब होगा या शनि खराब होगा। वो कैसे खराब होंगे? जब एमडी एडी पीडी में आके मल्टीपल में हो जाएंगे। क्लियर है? ट्रिपल वन हो गया, ट्रिपल वन एट हो गया, एट वैसे ही खराब है, मल्टीपल में होने से वन और खराब हो गया, तो जम के बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी। सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी रखेंगे भी क्या, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको इसकी एक रेमेडी का बड़ा एग्जांपल दूंगा जिस दिन आपको नेम न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा कि कैसे इसकी रेमेडी काम करती है। ट्रिपल एट वन हो जाए तो भी बिगड़ जाएगा। राहत कब मिलेगी? जब बीच में सेवन आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब बीच में सेवन आ जाएगा तो राहत मिल जाएगी। अगर महादशा में आ जाए तो 7 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए, कोई बेइज्जती नहीं होगी। एडी में आया तो बताइए 1 साल के लिए। पीडी में आया तो 56 डेज के लिए, ठीक है। मेरे खुद के ग्रिड में 1-8 का कॉम्बिनेशन है और परमानेंटली सेटल है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रेमेडी, प्रैक्टिकल रेमेडी। और मुझे तो यूएसए, यूके, टोरंटो, कनाडा और मलेशिया तक के लोग रिस्पेक्ट देते हैं, फिर कहाँ गया ये योग? कैसे मैंने इसको किल किया, इस किलिंग कॉम्बिनेशन को? ये 2-8 से भी ज्यादा किलिंग है, 2-8 से भी ज्यादा किलिंग है, क्योंकि आदमी को पल पल में ये मारता है। डिसरिस्पेक्ट जब होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जब कोई अटैक करता है तो पल पल में मारता है आदमी, उससे भी ज्यादा फैटल है ये, ठीक है। मेरे ग्रिड में है ये, परमानेंटली सेटल है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको, ठीक है, मैं खुद पे ही आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगा।
ये सडन एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, जब डेस्टिनी फोर रहेगा या सिंगल फोर जब ग्रिड में होगा तो एक्सपेंसेस एकदम से आएंगे, पता नहीं लगेगा। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, ज्योतिषी लोगों को, कि पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं, यही है वो लीकेज राहु महाराज जो पैसे को रुकने नहीं देते। ये लॉस के नंबर्स हैं दोस्तों, 666, 777, 555, 888 और 444, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर ग्रिड में होगा तो संभावना बनाता है पैसे के ज्यादा नुकसान की। इंपैक्ट ऑफ हार्ड नंबर्स इन ग्लैमर वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है। आपके पास, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग भी आपके पास आएंगे। लोग आपसे जानना चाहेंगे कि मैं मॉडलिंग में अपना करियर आजमाना चाहता हूं। ध्यान रखिए कि मैं मॉडलिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। कि मैं मॉडलिंग में अपना करियर आजमाना चाहता हूं, क्या मेरे को मॉडलिंग वर्ल्ड में सफलता मिलेगी? तो आपकी नजर ग्रिड में हार्ड नंबर्स पर जानी चाहिए। अगर ग्रिड में हार्ड नंबर्स हैं तो आप उनको ग्रीन सिग्नल दे सकते। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिनके ग्रिड में हार्ड नंबर्स हैं वो सब मॉडल बने। अगर ऐसा होता तो मैं आज आपको ज्योतिष न्यूमरोलॉजी ना सिखा रहा होता, मेरे पास भी एक हार्ड नंबर है, मैं भी आपको मॉडलिंग वर्ल्ड में आज मिलता। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है और आपके पास हार्ड नंबर्स हैं, तो कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी मॉडलिंग वर्ल्ड में सरवाइव करने की। फीमेल है, अनुष्का शर्मा नंबर वन है। शी स्टार्टेड हर करियर एज ए मॉडल। ऐश्वर्या राय बच्चन 3-1 इज देयर, शी ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर एज ए मॉडल, बाद में फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने जंप किया। दीपिका पादुकोण नंबर वन इज देयर, हार्ड नंबर इज देयर एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर एज ए मॉडल। प्रियंका चोपड़ा 19 इज देयर, सुष्मिता सेन 19 इज देयर, लारा दत्ता 19 इज देयर, बिपाशा बासु 19 इज देयर, जूही चावला 3-1 इज देयर, हार्ड नंबर एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर एज ए मॉडल। कटरीना कैफ 3-1 इज देयर, जीनत अमान 19 इज देयर एंड स्मृति ईरानी, she also started her career as a model। अब हम कुछ और खूबसूरत predictions को सीखेंगे property से related। दोस्तों अगर grid में single one है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे date से आए, चाहे month से आए, चाहे year से आए, चाहे destiny से आए, या multiple one with destiny one है, यानी grid में आपका destiny भी one है और साथ में और भी one है, या E18 है, तो ऐसे लोगों को अगर वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी कब परचेज करनी चाहिए उनको? जब भी ग्रिड में 1, 4, 5, 6 नंबर की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। ऐसे पीरियड में उनको बेशक प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। अगर मल्टीपल वन ग्रिड में है लेकिन डेस्टिनी वन नहीं है, डेस्टिनी वन नहीं है, मल्टीपल वन है या ओड एट है, तो दोस्तों इन लोगों को प्रॉपर्टी का बिजनेस करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट में फंस जाते हैं। ठीक है, ये लव मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन रहेगा 6-7 का, जो अफेयर के लिए था। नंबर 5 शुड बी मिसिंग। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के लिए जब कभी भी शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब बिगड़ जाएंगे, और वो बिगड़ेंगे कैसे? जब 666 में होंगे तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। और अगर साथ में मार्स भी बिगड़ जाता है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ वो सर्जरी को भी इंडिकेट करता है। 777 या 555 ग्रेड में अगर होंगे तो वो एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करेगा, इंसोमेनिया की दिक्कत रहेगी,
नींद ना आने की और मेटाबॉलिज्म को खराब कर देगा। ये फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी 999 हो जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर को रिप्रेजेंट करेगा। ये सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं और इनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत बोल्ड होती है। ये मेजर अप्स और मेजर डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी लाइफ में जब अप होंगे वो भी बड़े खूबसूरत और बिंदास होंगे और जब डाउन होंगे वो भी बहुत खूबसूरत होंगे। 284 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये लाल बहादुर शास्त्री, लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ओनली 1.5 ईयर ओल्ड, सर्वड एज सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, दूसरे प्रधानमंत्री रहे भारत के। देखिए अब कितना रहा और मिस्टीरियस एंडिंग रही, अंत भी अच्छा नहीं रहा इनका। सद्दाम हुसैन, ये भी देखिए, रूल्ड इराक एज प्रेसिडेंट फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये इराक के प्रेसिडेंट रहे, एंड एग्जीक्यूटेड बाई हैंगिंग एट एन इराकी मिलिट्री कैंप, और लटका दिया गया लास्ट में इनको, एंड भी अच्छा नहीं रहा। अप और डाउन का लेवल देखिए। एडोल्फ हिटलर, रूल्ड जर्मनी फॉर मेनी ईयर्स, कमिटेड सुसाइड बाई गनशॉट, अंत भी अच्छा नहीं रहा। ये स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स हैं, 3 अगर ग्रिड में है तो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होगा, 7-9 है तो भी झुकाव होगा। ये मटेरियलिस्टिक मिसकंफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 6-7-5 जिनके ग्रिड में होगा उनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करेंगे। 1-7-8 का कॉम्बिनेशन 6 सेंस को इंडिकेट करता है। जिन लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन रहता है उनकी छठी इंद्री, उनकी 6 सेंस, उनकी इंट्यूटिव स्किल्स बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से काम करती है। ये ही वो लोग हैं जो टेलीपैथी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। टेलीपैथी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आपने सुना होगा कि एकदम से हमने किसी को याद किया और तुरंत उनके फोन की घंटी बजी, ऐसा होता है, इन लोगों के साथ अक्सर होता है। और ये लोग जो भी कहते हैं वो बातें अक्सर सच हो जाया करती हैं। फ्यूचर इवेंट्स को बहुत आसानी से ये लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इनको आभास होने वाला हो जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये मोदी जी देखिए, इनके पास भी है इंट्यूटिव स्किल्स, छठी इंद्री इनकी भी बहुत गजब की है। इन्होंने कहा मैं भारत को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, बताइए हुआ या नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी कहा मैं दिल्ली को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, इनकी भी इंट्यूटिव स्किल्स बहुत गजब की। ये नंबर्स एडिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 222, 555 और 777 जिनके ग्रिड में रहेगा उनके एडिक्शन की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और रिकॉर्डिंग और PDF वगैरह आपको प्रॉपरली आपको मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, आप रिकॉर्डिंग को आराम से सुन सकते हैं। अब मैं सोनल जी का या जो भी पार्टिसिपेंट है जिनका जो भी क्वेश्चन होगा मैं ले लूंगा। और सोनल जी का क्वेश्चन लेने से पहले मैं हाँ सोनल जी एक मिनट के लिए एक आपका क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को कि वैसे तो ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है बहुत सिंपल है और मैंने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल बना के आप लोगों को इसको सिखाऊं। तो कई बार सिंप्लिसिटी को हमारा माइंड स्वीकार नहीं करता, वो ऐसे समझता है कि ये सिंपल है, इससे क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन। तो आप लोगों को एंड तक इंतजार करना है, जब तक मैं लास्ट सेशन ना लेकर खुद आपको ये ना कहूं कि अब आप लोग मेरी तरफ से तैयार हो प्रेडिक्शन देने के लिए, करने के लिए, रेमेडी देने के लिए, तब तक आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं छोड़ना कि ऐसे पता नहीं आएगी नहीं आएगी, ये तो सिंपल ही चीजें हैं, अब इसमें क्या, अब ये स्पिरिचुअलिटी से क्या प्रेडिक्शन आएगी, 7 से अब बता दिया, ये तो मेरे में भी है वीजा, तो मेरे T2 के में भी है, मेरे हस्बैंड के में भी है, वो तो कभी बॉम्बे से बाहर ही नहीं गए, उनका तो वीजा ही नहीं लगा, ऐसे परेशान आप नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी सोनल जी सर मेरे को जानना था, अगर कपल है
और दोनों एक इंजीनियर है और वन इज इंटीरियर डिजाइनर. कपिल को आगे पढ़ने के आगे काम के लिए वर्क अब्रॉड जाना है, तो दैट फेलो वन ऑफ द कपल में से उसको साथ नहीं है एंड बी एंड दूर दूर तक अंतरदशा प्रत्यंतर में नहीं दिख रहा है. बट बीवी इज 25th, मतलब 7 कम्स फ्रॉम हर, तो वो केस पॉसिबल है क्या? वन ऑफ द पार्टनर के पास 7 नहीं है और लंबे एक दो साल तक दिख नहीं रहा है, पर बीवी इज 25th, तो वो 7 उसको हेल्प करेगा कि नहीं आगे जाने के लिए? या वीजा बीवी के नाम से फर्स्ट अप्लाई करो तो वो हस्बैंड को ड्रैग करेगी. आप इस विषय में क्या बोलेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 7 आ कहाँ से रहा है. हमने एक बार ग्रिड तैयार कर लिया, उसमें नंबर्स को प्लेस कर लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ की स्लिप को फाड़ कर फेंक दीजिए. हमारे सामने जो ग्रिड में नंबर्स आए हैं वो चाहे कहीं से भी आए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आपने अच्छा पॉइंट नोट किया है कि बीवी के नाम से अप्लाई कर दें और उनको इसका बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, और बताएं और क्या क्वेश्चन है रूपल जी आपका? सोनल जी, बस यही था? नहीं, हाँ यही था. चलिए, तो 2 साल तक मतलब he doesn't have the patience के 2 साल तक रुकने के लिए, तो क्या करे? उन ऐसा कोई आया कंसल्टेंसी, तो what should we do? कि बीवी के नाम पे फर्स्ट वीजा लगवाए कि we'll tell him के 2 साल तक तुम रुक जाओ, कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला है. बीवी के नाम से, बीवी के नाम से लगवाए. ओके ओके सर, थैंक यू, दैट्स इट. ओके ओके जी जी. व्योम जी, हार्दिक स्वागत है व्योम जी. प्रश्न ये है कि अगर किसी की जन्म तिथि जो है वो 17 तारीख है जी, तो उसका तो 178 योग जो है वो बाय बर्थ आ गया जी, क्योंकि 1 भी आ गया, 7 भी आ गया और डेस्टिनी बीएन 8 भी आ गया. बट 178 तो उनका इसका मतलब उसको 6 सेंस तो शुरू से ही पैदा हो गई जी, बाय बर्थ जी. इज इट ट्रू? शुड वी टेक इट दैट वे? हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है ये और हमारे को ऐसे ही इसको लेना चाहिए. लेकिन लेकिन कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि कुदरत ने उनको ये आशीर्वाद दिया है. ये आप उनको बताएंगे कि आप मिरेकल लेकर पैदा हुए हैं. अगर थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर लें तो निश्चित तौर पर जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे नियर फ्यूचर के इवेंट्स को तो आप देख पाएंगे. ऐसा है. और इसके साथ ही बहुत मजेदार प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के ग्रिड में 178 रहता है उनको उनको मेरी इस प्रेडिक्शन को अदरवाइज नहीं लेना है. ये 1000% सच है और काम करती है. जिन लोगों के ग्रिड में 178 रहता है उनको बैड डिस्कम्फर्ट भी नेचर की तरफ से गिफ्ट मिलता है. बैड डिस्कम्फर्ट, हाँ मतलब आपका मतलब इंटीमेट लाइफ से है या? हाँ वही सर इंटीमेट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती. ठीक है, राइट सर, ऐसे काम करते. और राघवन जी ने नीचे मैसेज डाला है, इनके ग्रिड में 178 है. आप लोग ही देख लीजिए अब कि प्रेडिक्शन सच है या गलत है. ठीक है,
चलिए जी, रवि रवि जी हार्दिक स्वागत है जी। गुरु जी, आपने जैसा बताया कि राहु और शनि के केस में हम लोगों को देखना है कि अगर वो ऑड में है तो वो इफेक्टिव जो है सो थोड़ा बैड इफेक्ट से जाएंगे, और इवन में है तो थोड़ा सा सपोर्टिव रहेंगे वो अपने कैरेक्टरिस्टिक के अलावा। तो दूसरे नंबर्स के लिए भी ऐसे कुछ है चीज? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ राहु और शनि के लिए, ये होता। अच्छा, दूसरा चीज की जैसे आपने बताया था कि 6-3 और 6 का जो आता है कॉम्बिनेशन, तो वो मतलब या तो शादी नहीं करेंगे या ऐसी मंशा रहती है कि हम ना करें, नहीं होने के बाद भी स्पिरिचुअल की तरफ चले आते। तो 6 जनरली हम लोग पढ़ते हैं वीनस से, जो कि पार्टनर से ही रिलेटेड चीज है और कम्फर्ट लेवल रिलेट करती है 6 से। तो 6 को क्यों इसमें मतलब चुना गया जो शादी नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि बेसिकली 6 से ही हम शादी को रिलेट करते हैं। तो 6 का शादी के अगेंस्ट आना ही, एस्ट्रोलॉजी में जो जुपिटर है वो तो शादी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वीनस शादी चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी जी, है ना। और इसमें हमारे को, हमने 3 और 6 को इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि दोनों अपोजिट है, एक देवगुरु है एक दैत्य गुरु है जी, तो उनके बीच में रस्सा कस्सी चलती रहेगी। एक कहेगा कि कंफर्ट लाइफ की तरफ जाना है, एक कहेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है जी, इसलिए। अच्छा, उसमें अगर 2 आ जाता है तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और देखिए फिर देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग रहते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचेंगे और लास्ट में मन में थॉट जो जनरेट होगा वो ये होगा कि नहीं नहीं यार, मुझे शादी डेविएट हो जाना है इस तरीके से। हाँ, जी जी बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। चलिए सर जी, देवाशीष जी। सर कल आपने कहा था कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो उनका प्रेडिक्शन डेस्टिनी नंबर से स्टार्ट करना चाहिए जी, तो अगर कोई कम एज का कोई अगर क्लाइंट आता है तो उनका भी क्या डेस्टिनी नंबर से ही प्रेडिक्शन स्टार्ट होगा? हाँ जी, सबका सबका वहीं से होगा जी, वहीं से होगा। क्वेश्चन ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी नंबर कब एक्टिवेट होता है? नहीं नहीं, आप डेस्टिनी नंबर से ही बोलना शुरू करिए, आप डेस्टिनी नंबर से। ओके ओके ओके। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कल आपने 1 और 2 का राजयोगास के बारे में बताए थे, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि 1 और 2 के अलावा अगर और भी सारे नंबर से तो उससे क्या राजयोग फॉर्म होगा? और भी कौन से नंबर्स? किसी के ग्रिड में मान लो 1 भी है, 2 भी है और 3, 4 और भी कई सारे नंबर से, तो क्या इससे राजयोग फॉर्म होगा? क्यों होगा सर, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो वहां पर मैंने 3 की जगह M लिखा हुआ है, यानी 3 तो मिसिंग होना चाहिए। अभी 3 को वहां आप लेके आ रहे हैं तो क्यों फॉर्म होगा? वही मुझे थोड़ा जानना था। ओके, क्लियर है, थैंक यू जी। पंकज जैन जी हार्दिक स्वागत है। जी पंकज जैन जी हार्दिक स्वागत है। चलिए पंकज जी अभी थोड़ा बिजी हैं। हेलो। हाँ पंकज जी, हार्दिक स्वागत है सर। सर जैसे आपके पास 100 क्लाइंट 2-8 वाले आते हैं तो सर उन 100 को डिप्रेशन होगा कि 70 लोग को डिप्रेशन होगा? 100 को डिप्रेशन होगा, और अगर मैरिड हैं तो 200 को होगा सर। अच्छा अच्छा सर। सर हाँ सर। सर जैसे 90% वाले 100 बच्चे आपके पास आते हैं तो उनमें क्या कॉमन होगा? 90% वाले 100 बच्चे आपके पास आते हैं तो उनमें कौन से नंबर कॉमन होंगे? अभी बता देते हैं सर, अभी लीजिए एक बार, मैं ध्रुवा ज्योति जी का क्वेश्चन ले लूं एक बार, अभी कर लेते हैं डिस्कस, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए जी ध्रुवा ज्योति जी। नमस्कार सर।
जी सादर नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था कि वीजा और ट्रेवल का जैसे कि 7-4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 7 और 4 होना चाहिए, जो फॉरेन सेटलमेंट का उसका कुछ कॉम्बिनेशन है क्या सर? फोर है सर, फोर है। 4 है, अगर मतलब किसी के ग्रिप है 7 और 4 दोनों है तो फिर उसका वीजा भी ठीक है, ट्रेवल भी ठीक है और फॉरेन सेटलमेंट का, तो हाँ उसके जी, साथ दूसरा कुछ नंबर नहीं है, ना दूसरा ना कुछ कोई नंबर की नंबर जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, 4 ही करवा देगा सर। 4 मतलब ऐसे क्लाइंट आते हैं जो मैक्सिमम पूछते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, फॉरेन सेटलमेंट तो फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हो जाएगा। हो अगर जाएगा सर उसमें अगर महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में किसी का 4 ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं क्या कि फॉरेन सेटलमेंट होगा? फिर तो ये हो जाएगा फॉरन, अगर वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वहां चला गया, वहां से वो आएगा तो वो अड़ोसी पड़ोसी उसको आने नहीं देंगे कि नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे आपको। अच्छा, ठीक है। और सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपने मेरा प्रेडिक्शन किया था कि 2-6-3 का अगर होता है तो फिर शादी का मन नहीं होता है, शादी भी करते हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा खींचते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि डेस्टिनी नंबर जैसे 6 आ रहा है मेरा तो फिर वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और जुपिटर मेरा वीक होगा, ऐसा कुछ होता है या नंबर सेम ही नहीं, रहता है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ओके, तो फिर वो स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करता है, वो डेस्टिनी नंबर से स्ट्रेंथ किसी भी ग्रह का स्ट्रेंथ नहीं डिफाइन होगा। ओके थैंक यू सो और मच, थैंक यू। देखिए देखिए, चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा, है ना। जिन हाँ लोगों सर, की शादी में दिक्कत आती है, शादी में कोई अड़चन आती है जिन लोगों की, तो आप उनको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि कुदरत आपको खुद के साथ कनेक्ट करना चाहती है। कुदरत चाहता है। नहीं चाहती कि आप इस तुच्छ से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे। यू कैन टेक इट दिस वे ऑल्सो, गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस यस, वो तो और मैं मानता हूँ सर, वो कंप्लीटली हाँ, मानता कि और मतलब जैसे कि किसी की शादी। हाँ जी आप बोलिए सर, फिर मैं नहीं, भी। आप बोलिए सर, आप बोलिए। सर मेरा ये मानना है कि कुछ भी होए वो एक भगवान का होता है कि आपको सही दिशा एक दे, तो किसी की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खराब, या तो किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है खराब, लेकिन उसका दूसरा कुछ उपाय होता है, दूसरा कुछ रास्ता होता है जो बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना मेरी बातों से अभी? चलिए नहीं। देखिए, जब फीटस डलता है, जब माँ के गर्भ में जब फीटस डलता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है, वो जो जो माँ सांस लेती है, जो इनहेल करती है, उसी से वो भी सांस लेता है। कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती उसको सांस लेने की। जो खाना माँ खाती है उसी से वो अपना पेट भर लेता है, उसी से उसको न्यूट्रिशन वगैरह जो भी मिलना होता है मिल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, दुनिया में कदम रखता है, तो उसके आने से पहले ही मम्मा के पास उसका खाना, उसका दूध तैयार रहता है पहले से, है ना। हाँ जो जी, मातृशक्ति बैठी है वो तो सब इस बात को जानती है कि वो पहले से ही माँ का दूध तैयार मिलता है। ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये दुनिया, सनराइज सनसेट, कोई कोई तो है ना जो इस सब को चला रहा है। सर और ध्रुवा ज्योति जी या नरेन वशिष्ठ, 650 करोड़ की इस पॉपुलेशन में और इतने सारे जीव जंतु प्राणी सब, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा। अरे भाई, वो जो सब पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वो हमारा भी देखेगा, हमारा क्या होगा। हमारे फीटस डलने से लेके और इतने बड़े होने तक, अब तक वो यहाँ पर लेके आया तो आगे भी वही चलाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर नरेन वशिष्ठ पेन की टिप लगाकर अपनी एग्जिस्टेंस शो करने लगे, अपने अपना अस्तित्व बताने लगे, तो वो पेन का जो डॉट होगा ना, वो भी बहुत बड़ा होगा। इतना अस्तित्व भी नहीं है मेरा। गेटिंग माई पॉइंट? वो सबको चला रहा है तो चलने दो, मजा लो जिंदगी का जहां वो लेके जाए। जैसे वो हिल रहा है, जैसे पूरे पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, उसके साथ ही हिलने लग जाओ। समस्या तब आती है
जब एक बड़े पेड़ के पत्ते की तरह, जब पूरा पेड़ हिलता है तब हम नहीं हिलते, जब वो पेड़ हिलना बंद कर देता है फिर हम अकड़ के आते हैं कि मैं अब हिलूंगा। कैसे हिलेगा भाई, पेड़ तो हिलना बंद हो गया, उसके साथ ही हिलो। समझ रहे मेरी बात को? तो कुदरत जो भी डिसीजन लेती है उसको सबको देखना होता है, उसको सबको देखना होता है, और वो अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत डिसीजन लेती है। हमारे को प्रॉब्लम कब होती है, जब हम हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता। जब तक हमारे मन मुताबिक होता रहता है तो जब तक नरेन वशिष्ठ के पास स्टूडेंट आते रहेंगे तो कहता रहेगा भाई बहुत बढ़िया, भगवान बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहा है, और जब स्टूडेंट आने बंद हो जाएंगे कहेगा कि नहीं दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, सब बस मैंने इतना पुण्य किया, इतने मंत्रोच्चारण किए, अभी भी देखो स्टूडेंट नहीं आ रहे, भगवान के घर भी अंधेरी है। तो वो जब जैसे चाहता है वैसे ही हमारे को कर लेना, सरेंडर कर दो ना। लेट द डिवाइन डिसाइड, लेट द नेचर डिसाइड हमारा क्या करना है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, वजह क्योंकि मैं जीतना चाहता ही नहीं, मैं हमेशा सरेंडर करना चाहता हूँ। नेचर आपको कैसे हराएगा, जब आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गो विद द फ्लो, एग्जैक्टली, ठीक है। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा प्राइवेट है, वो मैं आपको बाद में मैसेज में पूछ सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सोनल जी बताएं। सर मुझे ये पूछना है कि 3-6 या जो भी है वो क्या रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे, कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी। रिलेशनशिप वाला फैक्टर है कि एकदम स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर है? स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर है, स्पिरिचुअलिटी वाला। अच्छा, और एक बात, मेरा 2-4 का मैं कॉम्बिनेशन हो तो डू यू गिव मी एन हिंट दैट मैं 4 हूँ, डेस्टिनी 4 हूँ, तो मैं अब्रॉड के लिए अगर सेटल करने का बिजनेस या शिफ्ट करूं तो इट विल बी सक्सेसफुल? डू यू मीन टू से दैट? बिल्कुल संभावना है, संभावना है। ओके, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा तो वो एक पॉइंट आउट है क्या? नहीं, संभावना है, संभावना है सेटल होने की, संभावना। ओके ओके, बट मेरे साथ मेरे घर वालों को भी, आई मीन इट विल बी ओके इफ दे डोंट हैव 4, बट आई ड्रैग देम विद मी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा, शादी के बाद फैमिली का मेंबर्स का लक कनेक्ट हो जाता है। ओके सर, ग्रेट सर। इसका एग्जांपल ये है कि कुछ लोगों की लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, कुछ की बर्बाद हो जाती है, कुछ जेल में चक्की पीसते हैं, लक कनेक्ट होता है तभी तो। ओके अच्छा, ओके है ना। ओके, नहीं, बट आई लव माय इंडिया। थैंक्स सर, मुझे नॉलेज थोड़ा गेन करना था। चलिए, थैंक यू। हो गया क्वेश्चन सबका, हो गया जी। बताएं जी, रवि पारा सर जी क्वेश्चन बताएं, क्या है आप जी? मैं ये पूछना चाह रहा था गुरुजी की, अगर जैसे जो कॉम्बिनेशंस है तो क्या हम किसी कॉम्बिनेशन के लिए किसी नंबर को पार्टिकुलरली जनरेट कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, ऐसी भी कुछ रेमेडीज होती हैं? नो नंबर कैन बी जनरेटेड, या उसके नो नंबर कैन बी जनरेटेड। अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने बैठ के अभी 2 घंटे नॉन स्टॉप ना बोलता, मुझे तो पता है, मैं मेरे पास 1 ऑलरेडी है, 2 को जनरेट कर लेता और मैं मोदी जी की तरह अपना राजयोग बना लेता। नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ऐसे रेमेडीज देते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए भी पूछा था किसी से, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि जब मुझे अब करना है तो कम से कम मैं किसी के साथ ऐसा कुछ ना करूँ, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। सर जी देखो, मेरे पास तो जो है वो ईमानदारी से मैं आपको डिलीवर कर दूंगा जी। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा कुछ नहीं है, गुरु का दिया हुआ है सब, और मुझे अपने ज्ञान पर इतना विश्वास है, क्योंकि अहम में, घमंड में और कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सी लाइन होती है जी। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे गुरु का दिया हुआ कि ये जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, देखो गुरु तो सब हैं, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं,
तो लेकिन ज्यादातर इनमें से 95% अच्छा ज्ञान डिलीवर नहीं कर रहे हैं, अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं और पाप अर्न कर रहे हैं जी। और तो क्या बोलूं इसके अलावा। जी नहीं, मैं समझ गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु, एनीथिंग, आप जब प्रिडिक्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एक तो कि 3 नंबर आपने बताया कि काउंसलिंग के लिए होना चाहिए, वो एक अच्छा होता है, तो अगर जिनके पास 3 नंबर नहीं है ग्रिड में, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजर या काउंसलर या ऐसा कुछ नहीं हो सकते? सर मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5th of April 1981 है, मेरे पास नंबर 1 है, 8 है, 5 है और 4 है, यानी डिस्प्यूट का भी योग है और डिसरिस्पेक्ट का भी योग है और एक्सीडेंट का भी योग है, और ये सारी चीजें मैं एंजॉय कर चुका हूं, डिसरिस्पेक्ट भी, डिस्प्यूट भी और एक्सीडेंट भी। फिर मैंने देखा यार कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन की तरफ में जब आया तो मैंने लाइन ही ऐसी चूज कर ली कि लोग डिसरिस्पेक्ट दे ही नहीं सकते जी, मैंने प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर लिया सर, क्या करेगा डिसरिस्पेक्ट का योग। 3 आपके पास नहीं है लेकिन आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हैं, तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जो आपने खुद के अंदर। मैं कह रहा हूं ना सर कि देयर आर 2 kinds of skills, इनेट एंड अक्वायर्ड जी, तो मैंने अक्वायर किया स्किल्स को, मैंने अक्वायर किया, सालों मैंने लगाए, ढेरों किताबें पढ़ी, ढेरों गुरुओं के पास जहां से भी कहीं ज्ञान लिया, मैंने भी बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जो 5-star hotels में क्लासेस लेते हैं उनके पास मैं भी गया, 3 दिन अच्छा खाना खाया क्योंकि फर्स्ट टाइम 5-star में गया था मैं, चकाचौंध वहां की देखी तो काफी अच्छा लगा, 3 दिन के बाद जब घर आया तो पता लगा कि भाई डांस के स्टेप्स तो अच्छे सीख के आया मैं क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे, अभी न्यूमरोलॉजी पता नहीं कहाँ गई, तो वो भी गुरु है मैं तो चलो कुछ तो सीख के आया, वहां के सीखे हुए डांस स्टेप्स को जब कभी भी शादी में नाचने का मौका मिलता है तो मुझे वो 5-star hotel और वो गुरु याद आते हैं, तो मैं वहीं से उनके चरण ले लेता हूँ कि गुरु जी अच्छा डांस सिखाया आपने, तो आपको अक्वायर करना पड़ेगा, बिना सीखे आप कहीं से नहीं आते, हमेशा कुछ ना कुछ सीख के आते, कुछ अच्छे दोस्त वहां से लेके आया, और जब आप मेरे मास्टर ग्रुप में आएंगे तो आप पाएंगे कि आजकल के जो मार्केट के काफी बड़े बड़े नाम है वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मेरे ग्रुप में है अभी भी जी। और मेरी बातों पे एस्ट्रोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी ना ना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप अक्वायर, मैंने कहा ना 2 तरह की है, अगर आपके पास इनेट है वो आपको एडिशनल हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज एवरीथिंग कैन बी अक्वायर्ड। चलिए पारुल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी पारुल जी, हार्दिक स्वागत है। हाँ जी सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे पास 1, 3 और 9 तीनों स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और जो मेरा कुंडली है जो उसमें मेरा 6 जो है वो काफी स्ट्रॉन्गली बैठा हुआ है, और जो न्यूमेरो ग्रिड है उसमें 6 एब्सेंट है, तो मिसिंग है, तो सर मैं इसको क्या समझू कि मतलब मुझे 6 के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 1, 3, 9 भी है, हाँ डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स हैं मेरे पास, लेकिन इसको मैं कैसे समझू कि न्यूमेरो को मैं फॉलो करूँ कि मैं एस्ट्रो को फॉलो करूँ, क्या करूँ मैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पारुल जी पूछा है, और दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं। एस्ट्रोलॉजी तो मास्टर साइंस है, वो तो मास्टर साइंस है, और न्यूमरोलॉजी उसके सामने तो बहुत अदनी सी टेक्निक है, वो तो मास्टर साइंस है। अच्छा सर, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगी, एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि मैं कभी टेम्पटेशन से अटैच नहीं हो पाई हूँ, मतलब मुझे कोई भी लग्जरी या वो मैं अट्रैक्ट नहीं होती हूँ उस पे, लेकिन मैं जैसे सपोज 6 मेरा स्ट्रॉन्गली बैठा हुआ है चार्ट में, तो मेरा गारमेंट्स का काम है, तो हाँ मैं काम अच्छा करती हूँ, सब अच्छा ही हो रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन मुझे किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं होता है कि मुझे ये हो जाए या हो जाए वो सब हो जाए, ये वाला है मेरा डिटैचमेंट है थोड़ा इन चीजों से, तो सर मेरा क्या है, 3 पावरफुल है कि 6 पावरफुल है?
नहीं, आप क्या समझते हैं कि सिक्स पावरफुल होने से क्या होना चाहिए लाइफ? सर मैं एक्चुअली ना टोटली मैं लग्जरी एंड ऑल उसको फॉलो कर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और स्पिरिचुअलिटी की ओर बार बार जाती हूँ, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं फिर मैं पीछे आ जाती हूँ. मतलब इन शॉर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल प्रियोरिटीज है तो थोड़ा सा मैं उसमें नहीं जा पाती हूँ. स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहती हूँ लेकिन अगेन जो मेरा प्रोफेशन है जो चीजें मुझे पुल करती है कि नहीं अभी ये वहां पे विनस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या होगा लाइफ में? सर मैं खुद जाना नहीं सर आप, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि इस ग्रिड में मेरा सिक्स एब्सेंट है और उसमें मेरा स्ट्रॉन्गली बैठा हुआ है तो मैं क्या समझूं? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं, दोनों का ग्रिड देखने का, दोनों का प्रिडिक्शन करने का तरीका अलग अलग है. सर लेकिन नेटिव है कि मैं ये कह रहा हूँ हमारे को इनको कंबाइन नहीं करना है, टेक्निक्स कंबाइन नहीं करना, कंबाइन नहीं करनी है. और निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जब मैं आपका एस्ट्रोलॉजी का ग्रिड देख के जब प्रिडिक्शन करूंगा वो बिल्कुल डिट्टो न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन से मैच करेगी. Okay. हमारे को मेयरली एक प्लेनेट को देख के ऐसा नहीं जज कर लेना कि वहां पे ये मिसिंग है वहां पे ये प्रेजेंट है तो ऐसा होगा. ना ना, वो खाली एक प्लेनेट से तो कुछ भी नहीं होगा. योगास बनते हैं, योगास बनते हैं. चीजें हैं एक्चुअली मेरी ग्रिड में एट भी नहीं है. हाँ जो मेरा वर्किंग कल्चर है मैं बैठ के काम करती हूँ 12-12 घंटे, मेरा कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है. 1-3-9 है, 6 एब्सेंट है मेरे में, 5 भी नहीं है तो मैं बिजनेस को वो ज्यादा नहीं कर पा रही. 1 रूलिंग नंबर है मेरा जो मेन डायरेक्टर नंबर है 1 है. तो सर अब होता क्या है कि वही जो आपने बोला ना कि 3-6 का जो कॉम्बिनेशन है ये चीज मैं कहीं कहीं लाइफ में फील करती हूँ कि मतलब मैं 3 पे जाऊं कि मैं 6 पे जाऊं. और डेफिनेटली चूंकि मतलब पेरेंट्स एंड ऑल सब स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा रहे, मतलब मैं सब टीचिंग बैकग्राउंड रहा है हमारा तो थोड़ा उस पे है. लेकिन शादी के बाद मैं एकदम से इस लाइन पे आई बिजनेस एंड ऑल तो मैं उस पे कहीं ना कहीं बीच में बड़ा डिस्टर्ब सी लाइफ हो जाती है कि क्या करूं मैं. और इंजॉय में स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा करती हूँ, बुक्स पढ़ना एंड ऑल ये सब बहुत अच्छा लगता है. लेकिन सर मेरा बस इन शॉर्ट पूछने का मतलब है कि मुझे अब किधर जाना चाहिए, मतलब उसको एक विराम देना चाहिए चीजों को और जो मन करे वो करना चाहिए कि मतलब किस तरफ जाना चाहिए. देखिए कुदरत तो आपको इंडिकेट कर रही है, नेचर तो आपको इशारा कर रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए. एक थॉट जब बार बार जनरेट हो रहा है तो वो तो कुदरत का इशारा है और उससे कुछ भी नहीं हो सकता. डेस्टिनी नंबर 3 है मेरा. हाँ तो मैंने बताया ना कि वो तो आपको डेस्टिनी 3 है तो वो तो आपको उस तरफ लेके जाएगा ही जाएगा. ऐसे लोगों की मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं और फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी होती है. फैमिली को कॉन्फिडेंस में, फैमिली की कंसेंट लिए बिना ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे चलते हैं. एग्जैक्टली और इन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल रहता है बेशक ये चाइल्डहुड में हो या टीनेज में हो या अभी भी, इनको मैच्योर लोगों के साथ रहना और मैच्योर लोगों की बातें सुनना और मैच्योर बातें करना ज्यादा पसंद होता है. एज ग्रुप से बड़े लोग फ्रेंड सर्कल में होते हैं. करेक्ट, 100% एग्जैक्टली. पंकज जैन जी का तो क्वेश्चन हो गया, ध्रुवा ज्योति जी का क्वेश्चन हो गया है. ध्रुवा ज्योति जी सर सॉरी, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था जी. सर ये जो आपने बोला था केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन आता है वो फॉरेन ट्रेवल्स एंड वीजा वगैरह उसके लिए, सर वो किसी के ग्रिड में सोचो बर्थ ग्रिड में आया ही नहीं है लेकिन महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के अंदर में उनका इफेक्ट आ गया 7 और 4 आ गया तो ऐसा होता है क्या, उनका चांसेस ज्यादा होगा ऐसा कुछ है
नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चांसेस हो जाएगा उनका जब एमडी पीडी एडी में आएगा तो हो जाएगा, चांस बन जाएगा, वो चांसेस है। और किसी के ग्रिड में अगर नहीं है तो फिर ऐसा होता है क्या, नहीं जाना मतलब वो लोग वीजा अप्लाई करेंगे वो नहीं होगा उनका वीजा नहीं होगा वैसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास 7-4 नहीं है उनको वीजा नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिनके पास 7-4 होगा उनकी पॉसिबिलिटी उन लोगों से ज्यादा हो जाती है, ज्यादा। थैंक यू सो मच, वही लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए जी बहुत बढ़िया, और आई होप हमारे को अब सेशन को एंड कर देना चाहिए, तो कल हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और कल हम लोग कल और परसों और भी डीप डाउन जाएंगे और ढेर सारी प्रिडिक्शन सीखेंगे। प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे कल और परसों के, जितना हमने सीखा है इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखाऊंगा जो क्लाइंट अक्सर हमारे पास लेकर आते हैं, जो प्रैक्टिकली है, जैसे मैच मेकिंग है, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा डिजाइनर बेबी का, जो आपको मार्केट में रेयरली मिलेगा, कम लोग सिखाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। कॉरपोरेट न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा, और रेमेडीज सीखेंगे बहुत अच्छी अच्छी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हाँ जी, नमस्ते जी, अंशुल जायसवाल जी का नंबर है जी। अंशुल जायसवाल जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताएं। सर जब भी आपने एक योग बताया था जिसमें डिसरिस्पेक्ट है, तो आपने बोला था कि मैं इसकी रेमेडी भी अभी बता देता हूँ, बहुत सुंदर सी रेमेडी है। हाँ रेमेडी मैंने बताई ना, मैंने रेमेडी बताई कि आप लोग अपने प्रोफेशन को ऐसा कर लीजिए जिससे आपको रिस्पेक्ट ना हो। और दूसरी रेमेडी ये है कि भगवान सूर्य की आराधना आपको करनी है, आपको तांबे का बर्तन लेना है, तांबे का बर्तन लेना है, और भगवान सूर्य के होरा में सूर्य उदय होने के एक घंटे के अंदर उनको आपको जल अर्पण करना है। ये बड़ी साइंटिफिक रेमेडी है। जब हम उनको जल अर्पण करते हैं और उस जल में से उनको निहारते हैं उगते हुए सूर्य को, तो उस जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो यूवी रेज हैं, वो उस पानी में से पार करके जब आपसे टकराएंगी तो वो विब्योर बनाएगा, 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगा और आपके 7 चक्रास को वो एक्टिवेट करेगा। ये तो इसका साइंटिफिक पहलू है, और इसका स्पिरिचुअल पहलू ये है कि आपको नेम फेम रुतबा प्रतिष्ठा मान सम्मान और शोहरत देने के लिए एक प्लेनेट, वो है भगवान सूर्य। वही प्लेनेट है जो आपको ये सब इन सब चीजों का आशीर्वाद देता है, आपका स्टेटस हाई करता है, आपको रुतबा देगा, आपको शोहरत देगा, आपको इज्जत देगा, आपको नेम फेम बहुत ऊंचाइयों तक बुलंदियों तक लेके जाएगा। तो जब आप उनकी आराधना करेंगे और उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे, मैंने सेशन के शुरू में जो वैदिक मंत्र बोला था उसका उच्चारण जब करेंगे और उस मंत्र को सिद्ध करके, मंत्र को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, उस मंत्र को सिद्ध करके जब आप उसकी भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो किसी भी प्लेनेट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको किसी भी तरह से आपकी रिस्पेक्ट को हार्म कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर, ठीक है। और ये मेरी जो रेमेडीज हैं ये 100% काम करती हैं, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ। तो आपको इनको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर वो वाली रेमेडी नहीं है, ब्रेसलेट वगैरह वाली, ये डाल लो वो डाल लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो नहीं है। इनसे ऐसे आपको 100% लाभ मिलेगा। सर आज सर जितने योग सीखे अपन ने, कई निगेटिव भी योग है, जैसे कि जैसे अपन ने 555, 777 वगैरह, तो ये सब की रेमेडी आगे रहेगी ना? हाँ रेमेडी रहेगी, रेमेडी वाला सेशन रहेगा, रेमेडी वाला सेशन।
थैंक यू सर। जी अमित श्रीवास्तव जी बताएं। सर जिसके ग्रिड में 1 और 9 नहीं है और डिस्टनी 6 है तो सर उसको नेम फेम शोहरत के लिए क्या करना चाहिए? मतलब वो डिस्टनी 6 मतलब वो उस जो नंबर भगवान ने उसको दिए हैं उसी में से किसी एक से रिलेटेड कुछ पूजा अर्चना करने चाहिए या फिर वो 1 के लिए उपाय करने चाहिए? नहीं, जो नंबर जैसे सर मेरे ग्रिड में सर 1 9 नहीं है और 2 भी नहीं, सिंगल 3 है ग्रिड में है ना सर, जो नंबर ग्रिड में है जी वही आपको लाभ देंगे, उन्हीं से आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ तो सर इसीलिए तो मैंने पूछा है सर, आप बताते हैं कि जो ग्रिड में है उसी से बेनिफिट लिया जा सकता है। बढ़िया, तो सर क्या मेरे लाभ लेना चाह रहे हैं आप? आपके पास हैं तो सारे अच्छे नंबर्स, क्या लाभ चाहिए आप? सर मेरे पास सिंगल 3 है और 6 सिर्फ डेस्टिनी से आता है और 7 है। नहीं, और आपको लाभ क्या चाहिए, किस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, किस लाभ की आशा सर, करते हैं आप? सर स्वास्थ्य लाभ और धन लाभ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो आपके पास नंबर 3 है ना? हाँ। तो ये तो वेलनेस का प्लेनेट है, जुपिटर तो आपको स्वास्थ्य लाभ देगा, तो जुपिटर की आराधना करें। और आपके पास तो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट का खजाना है 6 नंबर वीनस, उसकी भी आराधना करें, वो आपको धन देगा। सर डेस्टिनी डायरेक्ट डेस्टिनी से आता है सर। हाँ तो आप करें ना उसकी आराधना करें, वो आपको धन लाभ देगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, सर एक साथ दोनों, अच्छा माँ लक्ष्मी की आराधना करें सर। तो आपको चाहिए, आपको चाहिए भी तो एक साथ दोनों चाहिए भी तो आपको, आपने ही कहा कि दोनों चाहिए। अच्छा तो सर हमारा कन्या लग्न के कुंडली में जन्म हुआ है तो वहाँ तो सर गुरु का पोजीशन अच्छे पोजीशन में नहीं बैठा। हम एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पे ना, कोई ऐसा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे जो सार्वभौमिक हो, जिससे सबको लाभ मिले, सबकी रुचि हो उसमें। पर्सनल कुंडली हम लोग डिस्कस नहीं करें, ठीक है? अच्छा सर मेरा 4 नंबर का महादशा शुरू हो गया है और सिंगल 4 हो जाएगा क्योंकि मेरे ग्रिड में 4 है ही नहीं, तो सर मैं क्या रेमेडी करूं? आप बता दीजिए राहु महाराज को कि ये मैं अमित हूं ही नहीं। सर ये कैसे संभव है? क्यों संभव क्यों नहीं है, उनको बोलिए कि मैं हूं ही नहीं है, तो वो अभी पड़ोसी के घर पास ऑन हो जाएंगे अपने इफेक्ट को, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप चिंता ना करें। जिनके पास देवगुरु बृहस्पति है उनका कौन कैसे कोई क्या बिगाड़ सकता है। जी सर हाँ वो तो है, और सर आपका भी आशीर्वाद है तो हाँ बिल्कुल, आप इस मंत्र का उच्चारण करें, हरि ओम बृहस्पते अति यदर्यो अरुहद्दु मद्विभाति क्रतु मज्जनेकु यदि दयच्छमसरित प्रजात तदस्माशो द्रविणं देहि चित्रं मा ओम गुर्वे नमः। कैसे आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके पास। जी सर मैं तो तरस रहा हूँ, मेरे पास मेरे ग्रिड में बृहस्पति है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं, मेरा बस भी नहीं है। हाँ बताओ, आपके पास तो साक्षात गुरु बैठे हैं। हम लोगों के पास तो नहीं है सर। हाँ चलिए देखिए, कुदरत ने मुझे इंसान बना दिया, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। मैं बोल भी सकता हूँ, मैं आई कैन स्पीक, सब लोग हैं जो देख सकते बोल सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते। जी 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 सर, मेरे हाथ पैर भी हैं, मैं हाथों को भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज कर सकता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। देख सकती हूँ, सब कुछ कर देख सकती हूँ, फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, कितने सारे काम मैं कर सकता हूँ। और चाहिए क्या मेरे को? मैं भी अभी प्लैनेट्स को ढूंढ रहा हूँ, और चाहिए क्या? ठीक है जी सर, चलिए तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और हम लोग कल मिलेंगे
और कल फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर. प्रणाम सर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड डे, प्रणाम. थैंक यू जी, थैंक यू.